सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं गुरदीप सिंह फसलां दी जानकारी तों। तां किसान आपदे खेत दा खुद डाक्टर हुंदा है, तां हर वारी मेन समस्या उही आउंदी है जिहड़ी हर वार आउंदी है। किते इक तां इह नवीआं समस्यावां आ जांदीआं, उन्हां नूं तां आपां किसे नूं पुछणा पैंदा, परंतु हर वार एक बहुत चर्चा दे विच चल रिहा है गुलाबी कीड़ा। गुलाबी कीड़े दे बारे चर्चा करांगे साथीओ। गुलाबी कूड़ा की है? गुलाबी जिहड़ा कीड़ा है, पिंक बोलमर है, उहदा जीवन चक्कर की है? ते हुण भी जिथे भी कोटन का एरिया है, जिथे भी कोटन के कोल बनछटियां लकड़ियां वगैरह पईआं, उत्थे मौजूद है। तो वह मौजूद किस अवस्था के है? परोड़ अवस्था के मौजूद है। वह परोड़ जी डोरमेंट स्टेज बैठा हो, जो भी उन्होंने अनुकूल वातावरण मिलया बारद साथी, उदों ही उन्हें आपका जोड़ा डोरमेंट स्टेज है उन्होंने तोड़ के फुलों के अंडे देने स्टार्ट कर देने हैं। तो साथीओ, ये अंडे जिहड़ा है, जिहड़ा यह नर पतंगा अंडे दिंदा है, वह 4 तो 5 दिन के अंडा परिपक्व हो के अंडे चो जिहड़ा लारवा वह निकल जाता। जिहड़ा लारवा है साथीओ, वह घट्ट घट्ट 40 तो 50 मिनटां दे विच ही गुड्डी दे विच फुल दे विच प्रवेश कर जाता है। आपां नूं पता नहीं ही लगना, सिर्फ इन्ने टाइम दे विच ही उन्हें प्रवेश कर जाना है। तो आपां नूं कोई भी पता नहीं लगना भी कदों इह प्रवेश कर गया। तो जिहड़ा जानकार किसान है, वह जरूर जिहड़े जिथे भी नरमे ने फलोवरिंग बना रखी है, उत्थे फलोवरिंग दे विच चैक किया जाए जाके। तो जिवें 100 गुड्डियां दे विच अड अड थां तों चैक करके, अगर थोड़े खेत दे विच 10 गुड्डियां दे विच पिंक बोलवरम पाई जाती है, तो साथी उह तुहानूं स्परेइंग करन दी जरूरत है। अगर नहीं पाई जाती तो स्परेइंग करन दी कोई जरूरत नहीं। अगर थोड़े टिंडे बने हुए है, बोल बनी हुई है, अगर उस बोल दे विच जिवें तुसीं 10 बोल चों अगर थोड़े 2 बोल ही इफेक्टड निकलते हैं, डिफेक्टड निकलते हैं, पिंक बोलवरम नाल नुकसान होया निकलता है, तो उत्थे आपां नूं स्परेइंग जरूर करनी पवेगी। तो क्योंकि यह मैं ओनली पिंक बोलवरम दस वास्ते दस रहा हाँ। पिंक बोलवरम साथीओ गुड़हल की फसल दे, भिंडी की फसल से, कोटन की फसल के उत्ते ही निर्भर रहिंदा है, क्योंकि ज़्यादातर यह कोटन की फसल में ही नुकसान पहुँचाउंदा है, क्योंकि यह नहरे दे विच अंधेरे दे विच रहना पसंद करता है प्राणी। तो फुल यह एक प्रकार का बंद हो जाता है, रोजेट प्रकार का यह फुल बना लैंदा है, तो हर पास्यों आप नुकसान करता है, रूई का नुकसान करता है, बड़ेवे का बीज का नुकसान करता है, बीज में डिफेक्टड करता है, हर पास्यों किसान का नुकसान होंगे। तो किसान को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा मैं साथियों का जीवन चक्कर के बारे थोड़ा बहुत दस दिना। अंडा 4-5 दिन की अवस्था लेंद, उस तो बाद 10 तो 14 दिन लारवा अवस्था रहती है, लारवा अवस्था रहेगी, उस तो बाद प्यूपा 7 तो 10 दिन रहा, प्यूपे तो बाद परोड़ अवस्था के होंगे। इन्ने च यह जीवन चक्कर अपना बदली जाता है। तो जिन्या ज़्यादा स्परेइंग होगी उन्नी ज़्यादा यह प्रजाति है जी अगली बार तकड़ी होकर आएगी, तो अपन ज़्यादा नुकसान दे के जाऊगी। स्परेइंग तो पहला साथियों मैनेजमेंट करना जरूर सीखो। मैनेजमेंट आप ज़्यादा करा, स्परेइंग का तरीका सही रखा, किस तरीके स्परेइंग करनी है थोड़ा मैं इस वीडियो दसूँगा। तो साथियों आप तरीका पहले पता है भी फेरमेंट रैप लाओ, आपको पता होना चाहिए भी एक फेरमेंट रैप के हर रात अगर 6 तो 7 नर पतंगे आ रहे हैं, हर रात लगातार 3 दिन तिकर उस चीज़ पर गौर करो। तो 3 दिन तक गौर करके भी लगातार 7-8 कीट वे आ रहे हैं, तो अपने आए मनो आप स्परेइंग करने की जरूरत है। एक अपने आस पास जो भी लकड़ियाँ बनछटी पई हैं, वह आप उठा के आप बाहर उन्होंने अपने खेतों तो ले जा सकते हैं, वो उत्ते जाल पा सकते हैं। कई किसान कहते हैं ढाणियों के बच्चे बैठे हैं, आप किवें करिए, उत्ते भी जाल पा सकते हो ताकि वो जिहड़ा पतंग है वह निकल ना सके। तो साथियों आप स्परेइंग की गल करते हैं, स्परेइंग कि करनी चाहिए है, इस देते जी रिकमेंडेड CICR के वलों जी रिकमेंडेड स्परे है वो थोड़ा मैं दस रहा, कोई आपके को नहीं दस रहा। तो एक जो भी तुम साथी स्परेइंग करो तो जोड़ा शैंपू होंगे 1-2 पुड़ियाँ शैंपू दियाँ पर ढोल के पा लेनी है, क्योंकि एक ए 1-2 रुपये का कोई खर्चा नहीं। तो ये सुगंध अगर अपनी फसल के रहूगी तो यह साथियों कोई जड़ा कीड़ा है पतंगा है ये अंडे उत्थे नहीं दूगा, तो अपनी फसल का बचाव हो जूगा। आप 0 से 70 दिन की फसल जिस साथी की हो चुकी है, वह निम्बीसडीन करे प्लस 1 ग्राम डिटरजेंट पाउडर मिला करे या शैंपू मिला करे, 650 ml प्रति बिघा के हिसाब से वह कर सकता है। क्लोरोपाइरीफोस भी आप कर सकते हैं साथियों, 350-650 ml क्विनाल फोस कर सकते हैं साथियों। आह दवाइया आप 0 से 70 दिन की अवस्था के करनी है,
71 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ, ਥੀਓਡੀਕਾਰਬ, ਇੰਡੋਕਸਕਾਰਬ, ਇਮਾਮੈਟਮੇਜ਼ੋਇਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ, ਥੀਓਡੋਕਾਰਬ, ਇੰਡੋਕਸਕਾਰਬ, ਇਮਾਮੈਟਮੇਜ਼ੋਇਟ। ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ ਸਾਥੀਓ 350 ml, 160 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਥੀਓਡੋਕਾਰਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੋਕਸਕਾਰਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 125 ml, ਇਮਾਮੈਟਮੇਜ਼ੋਇਟ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ 71 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 91 ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਦਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੋਕਸਕਾਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਮੈਟਮੇਜ਼ੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ 121 ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਨਵੇਰਲੇਟ, ਲੈਮਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਲੀ ਹਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟਾਈ ਸਟੇਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 250 ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 250 ਐੱਗ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡ ਹੈ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਪਲਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਖੋਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।